नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक खूबसूरत सा नेट पैटर्न लाई हूँ जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, कोटी, शॉल, स्टॉल, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इसे बनाने के लिए हमें इवेंट नंबर में कितने भी फंदे चाहिए, तो मैंने 16 फंदे डाले हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बना लेंगे। फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली बनाते हुए दोनों को सीधा बुन लेंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली बनाते हुए सीधा। ऊन अपनी ओर कर रहे हैं तो एक फंदा बढ़ जा रहा है और दो फंदों को एक साथ लेके बुनने से एक फंदा घट गया। तो यहाँ एक फंदा बढ़ा और यहाँ एक फंदा घट गया, यानी कि हमारे पास जितने फंदे थे वापस उतने ही फंदे हो गए। ऊन को अपनी ओर करना है, दो फंदों को एक साथ लेना है और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेना है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है लगता है और इसे आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है और फंदे ऊपर जाके कम हो जाते हैं। तो आपको इसे स्किप नहीं करना है, बल्कि आपको कायदे से देखना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना होने पाए। तो रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा स्किप करेंगे और ऊन को अपनी ओर लेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक। यानी हम अपना पहला लाइन ही दोहरा रहे हैं, तीसरे लाइन में भी हम अपना पहला लाइन ही दोहरा रहे हैं और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन देखिए, ये राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ता चला जा रहा है। दो दो फंदों को हमें एक साथ लेना है और सीधा बुनते हुए दो का एक करना है, लेकिन उसके पहले ऊन को अपनी तरफ कर लेना है। तो ऊन को अपनी ओर किया, दो फंदों को एक साथ लिया, सीधा बुनते हुए दो का एक। ऊन अपनी ओर किया, दो फंदों को एक साथ लिया और सीधा बुनते हुए दो का एक। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो हमने तीन सीधी लाइनें एक तरह से बुनी है, यानी पहले ही लाइन को तीसरे लाइन में और पांचवे लाइन में दोहराया है। और अब हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा सीधा। और अब हमने ये जो हमारा लाइन गया है, इस वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे और ये जाली वाला जो फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर चढ़ा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया, एक फंदा हमने सीधा बुना, दूसरे फंदे को इसके ऊपर चढ़ा दिया, यानी एक फंदा कट गया। तो इसके लिए अब हम ऊन अपनी ओर करेंगे, यानी जो फंदा हमने घटा है उसके लिए ये हमारा जाली है। फिर अब ये फंदा हमने देखिए, ये जो लाइन गई है इसी वाले फंदे को हमें स्लिप करना है। अगर आपने गड़बड़ी की तो डिज़ाइन बदल जाएगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे, ये जाली वाला फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे,
बुना हुआ फंदा, इसको हम स्लिप करेंगे, जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, ये स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और बुने हुए फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, उन अपनी ओर करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, ये हमारा लाइन वाला फंदा, इसको ऐसे स्लिप करेंगे, जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को उठाएंगे और इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, बुने हुए फंदे को, लाइन वाले फंदे को स्लिप करेंगे, जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और ऐसे चढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा घटाया है, अब इसके लिए हम ऐसे जाली बनाएंगे और लास्ट में दो फंदे हैं तो हम इन्हें सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे दो फंदे हैं, लेकिन अगर हम अब ये जो हमने जाली बनाया है, ये जो हमने जाली बनाया है वो यहाँ के घटाए फंदे के लिए है, और अगर हमने इन दोनों फंदों को बुना यानी उसके बाद हमें जाली बनाना होगा, यहाँ पे एक फंदा घट जाएगा तो इसके बाद हमें जाली बनाना होगा, इसलिए इस फंदे के लिए हम यहाँ जाली बना रहे हैं और इन दोनों फंदों को ऐसे ही सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। यदि इस डिजाइन में हमने ध्यान नहीं दिया तो फंदे घटते चले जाएंगे और हमें कहाँ मिस्टेक हो रहा है ये पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद बनाइएगा। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, अब इस वाले फंदे को हमें स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनना है, इस वाले फंदे को स्लिप किए हुए फंदे को उठा के इस फंदे को इसके अंदर से निकालना है और तब हमें जाली देना है। ये देखिए बुना हुआ फंदा है, ये जो लाइन ऐसे गई है इसी फंदे को हमें स्लिप करना है, जाली वाले फंदे को सीधा बुनना है, स्लिप किए हुए फंदे को ऐसे उठाना है और यहाँ हमने एक फंदा घटा दिया इसलिए अब हमें जाली बनाना है। यहाँ पे हम फंदा घटाने के बाद जाली बना रहे हैं और नीचे के डिजाइन में पहले हमने जाली बनाया था उसके बाद हमने फंदा घटाया था, तो इस बात का हमें ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे हमने फंदा घटाया इसलिए अब हमें जाली बनाना होगा और इन दोनों फंदों को ऐसे ही सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो हमने तीन लगातार तीन सीधी लाइनें एक डिजाइन में बनाई है और वैसे ही तीन सीधी लाइनें हम ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में घटाते हुए बनाएंगे। फंदा घटाने के बाद हम जाली बनाएंगे, ये लाइन वाला फंदा हम बुने स्लिप करेंगे, जाली वाला फंदा बुनेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर चढ़ाएंगे और यहाँ पे फंदा हमने घटाया इसलिए अब हम जाली बनाएंगे और नीचे हमने पहले जाली बनाया और बाद में फंदा घटाया, तो इस बात का हमें ध्यान देना होगा वरना डिजाइन डिस्टर्ब हो जाएगा। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तो ये देखिए तीन लाइन, एक तरह से तीन सीधी लाइन एक तरह से बना है और तीन सीधी लाइन एक तरह से, यानी 12 लाइन का ये एक डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को मैंने बनाया हुआ है, इस डिज़ाइन को देखिए मैंने बनाया है, एक खूबसूरत सा जिग जैग पैटर्न बनता चला जाएगा
तो आशा है आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो। यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।